हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन। आज की इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, AS2 एंड AS12। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर अभी तक आपने रिविजन सीरीज के एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियोस का लिंक मिलेगा, तो सबसे पहले जाके पुरानी वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए, देन यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये तीन टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करके आने हैं, तो आई होप सो आप लोगों ने रिवाइज करे होंगे। अगर नहीं करे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद जाकर आप इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो रिवाइज करेंगे दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आइए जी देखिए मेरे साथ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है इसका क्वेश्चन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले तो ये बताइए, व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या होता है सबसे पहले तो ये बताइए। शेयर मींस कैपिटल इन द कंपनी, शेयर मींस व्हाट, कैपिटल इन द कंपनी, कंपनी का हिस्सा जो कि सबको मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं शेयर। शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम बता रहे हैं, प्रेफरेंस मिला हुआ है उन्हें। प्रेफरेंस किस चीज का, प्रेफरेंस एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिडेम्पशन ऑफ देयर कैपिटल। मतलब इक्विटी से पहले डिविडेंड किसको पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, और इक्विटी से पहले रिडेम्पशन किसकी होगी, प्रेफरेंस शेयर्स की होगी। रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, इसका मतलब आपको वो पैसा रिटर्न भी मिलेगा इक्विटी से पहले। अब कंपनी लॉ के प्रोविजंस क्या कहते हैं विद रिगार्ड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसका कंपनी लॉ का लगता है जी सेक्शन 55, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब सेक्शन 55 क्या कहता है, सेक्शन 55 कहता है कि भैया रिडेम्पशन करने के लिए जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसे हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। कंपनियां प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है तीन तरीकों से। पहला तरीका बाय फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए रिडेम्पशन करने के लिए मतलब पैसा वापसी देने के लिए पैसा चाहिए, पैसा वापसी देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां कहां से कंपनियां उठा सकती हैं, पहला आता है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स इशू करके, अंडरलाइन करना वर्ड क्या है, इक्विटी शेयर्स, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स करके ही आप इक्विटी शेयर को फ्रेश इशू करके ही आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। डिबेंचर्स इशू करके रिडेम्पशन नहीं कर सकते, और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके रिडेम्पशन नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली थ्रू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी के वो प्रॉफिट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है एज डिविडेंड, जिसमें आता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का जनरल रिजर्व, यानी कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जो शेयर होल्डर्स में बटे नहीं है, उनको यूटिलाइज करके, उनको कैपिटलाइज करके भी कंपनी क्या कर सकती है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मीन्स कुछ फ्रेश इश्यू कर दिया और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके कर सकती है। तीनों में से कोई भी तरीका कंपनियां अपना सकती हैं, यूज कर सकती हैं, ठीक है जी। और सेक्शन 55 क्या कहता है, सेक्शन 55 कहता है कि जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगी, तो अगर रिडेम्पशन पे कंपनियां प्रीमियम पे कर रही है, जिसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी कंपनियां राइट ऑफ करेंगी, राइट ऑफ थ्रू, रिटर्न ऑफ थ्रू कंपनीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और फ्री रिजर्व्स। यही दो तरीके हैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूटिलाइज करके रिडेम्पशन कर सकती है। अच्छा ये कहां लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन का सेक्शन 52 होता है।
सेक्शन 52 में पांच यूजेस दे रखे हैं, उसमें से एक यूज आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को कंपनियां प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है, या फिर कंपनियां क्या करेंगी अपने फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकते हैं टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद प्रोविजन क्या कहता है, रिडेम्पशन हमेशा होगा फुली पेड अप शेयर्स का। रिडेम्पशन किसका होगा जी, हमेशा फुली पेड अप शेयर्स का होगा, मतलब अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के पार्टली पेड अप है तो कंपनियों को पहले उन पे कॉल्स मंगवा के उन्हें फुली पेड अप करना पड़ेगा, देन ओनली प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स का कभी भी रिडेम्पशन अलाउड नहीं है। उसके बाद और क्या प्रोविजंस कहते हैं, जब भी कंपनियां, ध्यान से देना देखना ये वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपनियां रिडेम्पशन कर रही है आउट ऑफ प्रॉफिट्स मींस ये वाली बात, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को यूज करके, तो कंपनी को एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर इज टू बी क्रिएटेड इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemed out of profits। क्या कहता है पॉइंट, वो कह रहा है सीआरआर बनाना पड़ेगा जितने प्रेफरेंस शेयर्स आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करे हैं। अब बात क्या आती है, सर ये निकलेगा कैसे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए दिस विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, जितने प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों को रिडीम करने हैं उनकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, इसमें से अगर आप लेस कर दें, लॉजिकली सोच के बताइए कि फेस वैल्यू में से मैं क्या लेस करूं, फेस वैल्यू में से मैं क्या लेस करूं, मैंने क्या बोला सीआरआर उतना बनना चाहिए जितनी रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है। अब रिडेम्पशन करने के दो तरीके हैं, या तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, हमें निकालना है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स कितनी हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में से जितने रिडेम्पशन हमने फ्रेश इशू से करी है जो बैलेंस बचा वही आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा, और उतने ही अमाउंट का क्या बनेगा जी सीआरआर बनाया जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम उनकी फेस वैल्यू लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड, ये आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका सीआरआर टू बी क्रिएटेड, इतना सीआरआर कंपनियों को क्या करना पड़ेगा जी बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बच्चे क्या करते हैं इसी एंट्री में गड़बड़ी करते थे, ये एंट्री ही करना भूल जाते हैं। और सीआरआर कहां यूटिलाइज होगा, सीआरआर इज टू बी यूटिलाइज टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है कि कंपनी अपने फुली पेड अप बोनस शेयर्स को यू इशू कर सकती है। तो आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसमें रिडेम्पशन के भी पॉइंट्स होंगे, उसमें आपके पास बोनस इशू का भी पॉइंट हो सकता है, उसमें आपके पास रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का भी पॉइंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सेल का भी पॉइंट हो सकता है, कई सारे पॉइंट मिक्स होकर आपके आ सकते हैं। तो आपको ये सारे चैप्टर इकट्ठे करके एक क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ बेसिकली इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन कि भैया रिडेम्पशन के लिए कंपनी को कम से कम कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, मुझे बता सकते हैं कैसे निकलेगा, जो अभी मैंने आपको निकलवाया था वो निकलवाया था सीआरआर, मतलब कितने आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, और अब मैं निकलवा रहा हूं कितने फ्रेश इशू हैं, तो एक तरीके से उल्टा ही हो सकता है। कैसे होगा कि भैया नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, कितने प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं, माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कि कितने प्रॉफिट्स में यूटिलाइज कर रहा हूं और उसको मैं डिवाइड कर दूं
एक शेयर की फेस वैल्यू से, एक शेयर की फेस वैल्यू से, तो मैं कह सकता हूं कि भैया इतने शेयर्स कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, इश्यू करने पड़ेंगे। क्लियर है जी? तो एक एस्पेक्ट आपका ये आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। एक कई बार क्वेरी आती है कि सर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड टू फाइनेंस द रिडेम्पशन। अब ये बातों में फर्क है। अब मैंने क्या बोला कि भैया फाइनेंस द रिडेम्पशन मतलब पैसा पे करने के लिए, ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं पैसा पे करने की बात नहीं कर रहा, ऊपर मैं बात कर रहा हूं रिडेम्पशन की, और अब मैं बात कर रहा हूं कि एक्चुअली में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, एक्चुअली में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है उसके लिए अगर कंपनी के पास पैसे की कमी पड़ रही है तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं। अब बात आ गई सर पैसे रेस करने के लिए हमें इक्विटी शेयर की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे निकलेगा? तो निकलेगा अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कि भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे करने के लिए कितना अमाउंट की जरूरत है। भाई कुछ अमाउंट तो कंपनी का कैश और बैंक भी होगा, कुछ अमाउंट कंपनियां इन्वेस्टमेंट बेचकर भी ला सकती हैं, बाद में अंत में जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, किससे? उसको डिवाइड कर दूं इश्यू प्राइस से। क्योंकि अब देखिए ऊपर मैंने बोला था फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्यों बोला था? क्योंकि मेरे को रिडेमिशन के लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए, और अब मैं बोल रहा हूं कि भैया पैसा चाहिए। पैसा क्या आएगा? पैसा तो विद प्रीमियम आएगा, सोच के बताइए ना। इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसा आएगा वो तो विद प्रीमियम आएगा, तब मैंने आपको यहां पर क्या लिख के दिया? इश्यू प्राइस, मतलब विद प्रीमियम आपके शेयर की क्या वैल्यू है, क्या आपने इश्यू प्राइस रखा है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या करेंगे जी? इश्यू करेंगे, सो दैट आपका जो सफिशियंट बैलेंस है, जो आपके बैलेंस ऑफ फंड्स है, वो पूरे हो सके। ठीक है जी? तो ये कुछ बातें हैं जो आपकी प्रेफरेंस रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स में आपकी यूज होती हैं। अब एक बार देखते हैं किस तरीके से इसकी जनरल एंट्रीज पास करी जाएंगी। जनरल एंट्रीज में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बट फिर भी एक बार देखते हैं। पहली एंट्री आप मुझे बताइए, जब कंपनियां शेयर्स इशू करेंगी तो एंट्री क्या एंट्री बनेगी? नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकेंड एंट्री, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करोगे? ड्यू करोगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करोगे। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन तो एंट्री क्या बनेगी? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन हो रही है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंट्री नंबर थर्ड, अब ये ध्यान रखना कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे करने से पहले आपको प्रीमियम पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है इनसफिशियंट तो आप अपने पीएनएल अकाउंट को या जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं, तो पीएनएल अकाउंट जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी? अब बात क्या आएगी? अब आएगी बात कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दो, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। अब ये बैंक में पैसा कहां से आया ये आपको सोचना पड़ेगा। कंपनी के पास बैंक बैलेंस हो सकता है, कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत पड़ सकती है, कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं, कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने पड़ सकते हैं। लेकिन रिडेम्पशन की बात अलग है, रिडेम्पशन की बात अलग है। ये मैं बात कर रहा हूं पेमेंट की। रिडेम्पशन की बात हमें कब ध्यान रखनी है? हाउ टू कैलकुलेट सीआरआर, जब सीआरआर कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। सीआरआर की एंट्री बता दीजिए, सीआरआर कैसे बनेगा? सीआरआर के लिए आपको पीएनएल अकाउंट या जनरल रिजर्व को आप कैपिटलाइज करेंगे टू सीआरआर, सॉरी टू सीआरआर। ठीक है जी? और क्या एंट्री हो सकती है? अगर कभी बोनस इशू की एंट्री आ गई तो आप एंट्री डाल दोगे सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू
एंड बोनस इश्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में बोनस दे रखा है तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पास करनी। ठीक है जी, तो ये कुछ आपकी जर्नल एंट्रीज रहेंगी। तो आई होप सो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए रिडेम्पशन के। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उसको और क्लियर करा देता हूँ कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन की टाइप्स तो बहुत सारे हैं, कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका फ्लो बन जाएगा। आपके पेज नंबर 7.20 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 दे रहेगी। हाँ जी, पेज नंबर 7.20 इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टडी मटेरियल में मैं लिख देता हूं, पर पेज 7.20 पे एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसको स्टडी करते हैं एक बार। देखिए वो कहता है सी लिमिटेड हैड 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हैं जी? 3012% रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। ठीक है जी, कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कंपनी को क्या करना है जी? रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। कंपनी ने क्या क्या इशू किया? 25,000 इक्विटी शेयर इशू करें ऑफ 10 ईच एट पार, और 1,014% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब बात आती है सर, ये जो डिबेंचर इशू करें हैं, ये डिबेंचर इशू करने से कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? पैसा आएगा। क्या सीआरआर में मैं इस डिबेंचर का कोई रोल प्ले करूंगा? आंसर इज सीआरआर में इस डिबेंचर का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि रिडेम्पशन करने के लिए डिबेंचर इशू नहीं हो रहे, सिर्फ पैसा मंगवाने के लिए रिडेम्पशन डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है। ओके, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वर ड्यूली मेड एंड कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंट्री डालिए। मैं रफली कर रहा हूं, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन करना है जर्नल का फॉर्मेट एंड नरेशंस ये जरूर देना। अगर आप फॉर्मेट ना बना पाओ तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना, नरेशंस जरूर देनी है। नरेशन के मार्क्स कटते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स इतने नहीं होते, लेकिन नरेशन के मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो एंट्री आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन नरेशन जरूर दे देना। अब बात आएगी सर आप दोगे नरेशन? देखिए मैं नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, आपको जरूर देनी है। ठीक है जी, चलिए पहले शेयर इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या कह रहा था जी वो? कितने शेयर इशू करे उसने? आई थिंक 25,000 शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 10 इच, तो 2,50,000। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद उसने डिबेंचर्स इशू करे हैं कितने? 1,100 इच। तो क्या लिखेंगे आप? 14%, सॉरी डिबेंचर इशू करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स। हाँ जी, कितने डिबेंचर्स कह रहा है वो? वो कह रहा था 1,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो कितने हो गए ये? हो गए 1,00,000। अब प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू कर दो फॉर रिडेम्पशन, तो थे 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने से होगा? हाँ जी, ये कितने से होगा? वो कह रहा है 3,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 3,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो ये हो गया आपका 3,00,000। एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम कैसे निकलेगा जी बताइए जी? 3,00,000 का कितना परसेंट बोला उसने प्रीमियम? वो कह रहा है 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो 10% ये हो गया 3,00,000 का 10%, दैट इज 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो गया जी? 3,30,000। ओके, अब क्या करेंगे जी? नाउ अब क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दूं? आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले आपको प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा।
आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कोई चक्कर नहीं है, वो कह रहा था सफिशियंट प्रॉफिट्स है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था 30,000। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स मैं लिख रहा हूँ ये अलाउड नहीं है, आपको नहीं लिखनी, प्रीमियम पूरा लिखना है, रिडेम्पशन पूरा लिखना है, प्रेफरेंस शेयर्स पूरा लिखना है, ये पीएनएल अकाउंट ये सब तो चलता है। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दीजिए, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना पे करता है 3,30,000, 3,30,000। ओके जी, अब क्या करेंगे जी, सीआरआर बनाएंगे, तो वर्किंग नोट में अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, बताइए जी कितना सीआरआर बनेगा, क्या बताया था मैंने, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड कितनी, बताइए जी 3,000 × 100 दैट इज 3 लाख। लेस क्या करेंगे आप इसमें से, लेस क्या करेंगे बताइए जी, लेस करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, उसकी भी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बताइए जी कितना था, इक्विटी शेयर को इशू करके हमारे पास 2,50,000 आया, तो मैं कह सकता हूं कि भैया 3 लाख में से, हाँ जी 3 लाख में से 2.5 लाख की रिडेम्पशन तो इक्विटी शेयर को इश्यू करके हुई है, और 50,000 की जो रिडेम्पशन हुई है दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आप डिबेंचर की प्रोसीड्स को रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, पैसे को यूटिलाइज करना वो अलग चीज है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि भैया रिडेम्पशन करने के लिए मैंने डिबेंचर्स को इश्यू किया है, वो कंपनी लॉ मना करता है। ठीक है जी, तो आप 50,000 का सीआरआर बना दीजिए, दैट्स इट, क्या बनेगी एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा ये जस्ट सर सीआरआर बनता क्यों है, कंपनी लॉ ने सीआरआर बनाने के लिए बोला क्यों, देखिए जी मुझे बताइए फ्री रिजर्व्स किसके थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के, आपने इक्विटी शेयर होल्डर के रिजर्व्स को यूज कर दिया, मतलब उनके पैसे को यूज कर लिया और किसी और को पे कर दिया, किसी और को मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, अब मुझे बताइए क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स की पैसे खराब हुए, बताइए क्या इक्विटी शेयर होल्डर की मनी रिस्क पर आ गई या नहीं आ गई, आंसर इज बिल्कुल आ गई। तो कंपनी लॉ कहता है कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर के पैसा रिस्क पे ना आए, इसलिए आपको एक रिडेम्पशन, एक सीआरआर बनाना पड़ेगा, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और वो घूम फिर के जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही, कैसे बताइए जी, सीआरआर का क्या यूज है, सीआरआर का यूज है टू इशू द बोनस शेयर्स, तो वो घूम फिर के किसके पास चला जाएगा, अगेन इक्विटी शेयर्स के पास ही चला जाएगा, तो उनके पैसे का जो रिस्क था वो खत्म हो जाता है बाय द वे ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, क्योंकि कंपनी लोग कहते हैं कि भैया सीआरआर को सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू के लिए ही यूज किया जा सकता है। बात समझ भाई, चलिए सो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला चैप्टर हम देखते हैं, दैट इज योर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आइए जी आइए अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। AS2 का नाम है जी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, देखते हैं ये AS2 क्या कहता है। सबसे पहले इन्वेंट्री का मीनिंग जानेंगे, इन्वेंट्री का मीनिंग गिवन है पैराग्राफ नंबर 3 में, आपको पैराग्राफ लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत मत कोट करना, जैसे लॉ वगैरह में सिखाया जाता है ना कि सेक्शन गलत नहीं लिखना, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी अगर आपको पैराग्राफ नंबर लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गलत मत कोट करना, गलत कोट करोगे तो आंसर गलत काट दिया जाएगा, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम गोस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, कि AS का नंबर अगर आपको नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत मत कोट करना, लेकिन AS के नंबर आप कोशिश कीजिए याद करने की, क्योंकि उसके बिना आंसर बहुत अधूरा लगता है, थोड़े से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके नंबर्स तो आप लर्न कर ही सकते हो। पैराग्राफ 3 AS2 का डिफाइन करता है इन्वेंट्री को, वो कहता है इन्वेंट्री आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब वो एसेट्स जिसको हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, जैसे कि फिनिश्ड गुड्स, जो आइटम्स हमने सेल करने के लिए रखे हैं वो हमारे क्या है, पूरी तरीके से तैयार गुड्स हैं, दैट इज योर फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री ये तो फिनिश गुड्स होती है। दूसरी, विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, कि भैया फिनिश गुड्स के प्रोसेस में अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, इनकम्प्लीट गुड्स है हमारे, तो हम कह सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड थर्ड इज विच आर हेल्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब वो आइटम जिनको हमने कंजम्पशन के लिए यूज करना है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स कंज्यूम होते हैं, दैट इज ऑल्सो योर इन्वेंट्री, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो मतलब इन्वेंट्री में हमारे पास तीन चीज आती हैं, फिनिश गुड्स भी आते हैं, WIP भी आती है, रॉ मटेरियल भी आते हैं। इन तीनों की हमें वैल्यूएशन सीखनी है कि हाउ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड, हाउ WIP इज वैल्यूड, एंड हाउ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड। ठीक है जी। अब इन्वेंट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, इन्वेंट्री में कवर नहीं है आपके नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे किसी के पास कोल है, कोल की एक्सट्रैक्शन होती है, उसके पास कोल का रिजर्व इकट्ठा हो जाता है, वो कोल इसकी इन्वेंट्री नहीं है। जो इंसान क्या करता है, बेसिकली जो एनिमल्स वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो उनके पास जो कैटल्स है, लाइफ स्टॉक वगैरह पड़ा, वो भी इन्वेंट्री नहीं है। सेकंड, सर्विस प्रोवाइडर की कोई इन्वेंट्री नहीं होती है, सर्विस प्रोवाइडर की देर इज नो इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी AS2 में कन्वर्ट कवर्ड नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज AS7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। और आपके पास आता है शेयर्स, डिबेंचर्स और कोई भी सिक्योरिटी, जो किसी ब्रोकर के पास शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज होती है, वो भी इन्वेंट्री नहीं है, वो क्या होती है सर, वो इन्वेस्टमेंट होती है, AS13 में कवर्ड है। ठीक है जी। तो ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। अब इसका वैल्यूएशन पार्ट देखते हैं कि वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी। तो वैल्यूएशन करने के लिए हमने इन्वेंट्री को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में हमने इन्वेंट्री को डिवाइड किया। एक आता है जी आपका रॉ मटेरियल, और दूसरा आता है आपका फिनिश गुड्स और WIP। देखिए फिनिश गुड्स और WIP की जो वैल्यूएशन है वो एक जैसी है, इसलिए इन दोनों को साथ में देखेंगे। रॉ मटेरियल का तरीका कुछ अलग है, तो रॉ मटेरियल पे बाद में आते हैं, पहले फिनिश गुड्स और WIP पे जाते हैं। एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ, व्हाट इज लोअर ऑफ, कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, NRV मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये लोअर आपको देखना है आइटम बाय आइटम बेसिस, आइटम बाय आइटम बेसिस, आप एग्रीगेट करके नहीं देख सकते। मान लो आपके पास पांच तरीके की इन्वेंट्रीज है, पांच तरीके की आइटम्स है, तो आप पांचों के टोटल कॉस्ट और टोटल NRV को कंपेयर नहीं करेंगे, आप आइटम बाय आइटम कंपेयर करके चलेंगे और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे। अब हमें सीखना है सर ये कॉस्ट कैसे निकलेगी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। कॉस्ट के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एक मेथड है आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी रहेगी। सबसे पहले आपको देखना है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक मेथड होता है। कंपनी अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से जाकर पूछेगी कि भैया ये आइटम की कॉस्ट कितनी है, ये आइटम की कॉस्ट कितनी है, तो उससे ज्यादा रियलिस्टिक चीज तो हो नहीं सकती, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट अवेलेबल ना हो तो आप रिटेल प्राइस भी लगा सकते हैं, रिटेल प्राइस मेथड। रिटेल प्राइस मेथड मींस वो इन्वेंट्री मेरी कितने की बिकती, दैट इज योर उसका सेलिंग प्राइस, और माइनस मैंने उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, GP। तो अगर आप सेलिंग प्राइस में से GP माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगी, वो आपकी निकल के आ जाएगी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। दिस विल बी योर सेकेंड प्रेफरेंस, ये क्या रहेगी आपकी सेकेंड प्रेफरेंस। और थर्ड आपका जो मेथड बनता है वो रहता है एक्चुअल बेसिस, दैट इज योर एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस में आप क्या करेंगे, हाँ जी एक्चुअल बेसिस में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपका स्टॉक किस तरीके का है। अगर तो आपका यूनिक स्टॉक है, यूनिक स्टॉक मींस अलग स्टॉक है, बिल्कुल डिफरेंट स्टॉक है, तो आप लगाएंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड,
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मींस मतलब ये किस में लगता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं किसी कंपनी का, कार कंपनी का एग्जांपल है, लेट अस से होंडा। होंडा क्या करती है सर? कार्स बनाती है, कार मैन्युफैक्चर करती है। आपने कई बार सुना होगा कुछ कंसेप्ट कार्स निकलती है, कंसेप्ट कार मींस जो मार्केट में सेल नहीं करी जाएगी, एक आइडिया तैयार करके कुछ कार गाड़ियां बना ली जाती हैं। अब वो गाड़ी बनाई है, वो भी तो इन्वेंट्री है, वो भी तो स्टॉक है, लेकिन वो क्या है, वो एक यूनिक आइटम है। तो यूनिक आइटम पे आप स्टॉक बाय मतलब यूनिक आइटम पे लगा हुआ खर्चा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भैया लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल होंडा ने 10 कार बनाई, कॉन्सेप्ट कार्स, तो वो 10 कारों की कॉस्ट तो इजीली निकल सकती है। लेकिन उसके बाद होंडा ने पूरे साल में अलग अलग तरीके की लेट से 1 लाख गाड़ियां बनाई, तो 1 लाख गाड़ियों की कॉस्ट निकालना, एक एक गाड़ी की कॉस्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर यूनिक स्टॉक है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाकर हम उसकी कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं और कॉस्ट निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका सिमिलर गुड्स है या जनरल गुड्स है तो आपको मेथड लगाने पड़ते हैं फीफो, या फिर आप लगाएंगे वेटेड एवरेज मेथड। एक सर हमने लीफो मेथड भी सुना था, लीफो मेथड, लेकिन लीफो मेथड अलाउड नहीं है, AS2 मना करता है कि भैया लीफो मेथड फॉलो नहीं किया जा सकता। इसको हम बोलते हैं जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड, जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब ये जो एक्चुअल बेसिस है, इसमें अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा? कॉस्ट कैलकुलेशन। कॉस्ट कैलकुलेशन में आपको लेना है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। भैया मटेरियल पे कितना खर्चा आया, मटेरियल की अगर कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप? मटेरियल में लेंगे उसका परचेज प्राइस, परचेज प्राइसेस में आप ऐड कर देंगे टैक्सेस। कौन से टैक्सेस ऐड करेंगे? विच आर नॉन रिफंडेबल, विच आर नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल मीन्स गवर्नमेंट उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी, उसका कोई भी आपको क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करेगी। मुझे बताइए क्या परचेज प्राइस में जीएसटी ऐड होगा? बताइए जी क्या परचेज प्राइस में जीएसटी ऐड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि जीएसटी का तो क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आईडीसी मिलता है, तो जीएसटी ऐड नहीं होगा। क्या परचेज प्राइस में कस्टम ड्यूटी ऐड होगी? क्या परचेज प्राइस में कस्टम ड्यूटी ऐड होगी? आंसर इज कस्टम ड्यूटी ऐड होगी, लेकिन वो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटी का गवर्नमेंट क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करती। आजकल कस्टम ड्यूटी पे आईजीएसटी भी लगने लग गया, आजकल कस्टम ड्यूटी पे आईजीएसटी भी लगने लग गया, तो वो आईजीएसटी ऐड नहीं होगा, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कॉस्ट में आपकी ऐड हो जाएगी। तो परचेज प्राइस ले लिया आपने, टैक्सेस ले लिए नॉन रिफंडेबल वाले, प्लस फ्रेट, फ्रेट क्या होता है भैया, गुड्स को लाने का खर्चा, माइनस कर दिया आपने ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, ये आपकी निकल के आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में अगर आप ऐड कर दें कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट मींस गुड्स को बनाने के लिए कितना खर्चा आया, इसमें आपकी आती है क्या क्या, इसमें आपकी आएगी लेबर कॉस्ट, जो आपने लेबर को वेजेस वगैरह पे करी, लेबर कॉस्ट आ गई। इसमें आपके आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो शैम्पूज बनाती है, अब शैम्पू को स्टोर करने के लिए, शैम्पू के स्टोर करने के लिए बॉटल्स की जरूरत है। अब शैम्पू लूज तो भीगेगा नहीं मार्केट में, बॉटल्स चाहिए, बॉटल्स क्या कहलाएंगी, बॉटल्स कहलाएंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल या फिर वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि जो जो बॉटल्स की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी ऑफ शैम्पू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड। उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड मींस जो फिक्स खर्चे होते हैं फैक्ट्री के, जैसे फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री के जो वेजेस है, वर्कर वेजेस, स्टाफ की सैलरी, वो सब क्या होंगे आपके फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन इसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा, कैसे एलोकेट करेंगे बताइए जी, कैसे एलोकेट करेंगे, ये आपके होंगे ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन या फिर नॉर्मल प्रोडक्शन, कि आपके टोटल कितने ओवरहेड इनकर हुए पूरे साल में, और पूरे साल में आपने कितने गुड्स को एक्चुअली में प्रोड्यूस किया, या कितने आप प्रोड्यूस कर सकते थे, दोनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, क्योंकि इसी से आपकी अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आपकी कैलकुलेट होकर चलती है। ज्यादा मैं इसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी में जाऊंगा नहीं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो ये चीज है कि भैया ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट निकल के आ गई, प्लस
अगर आप कोई अदर कॉस्ट इसमें ऐड कर दें जो रेलिवेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वो आपकी निकल के आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आई, उसको आप पूरे साल की नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यह निकल के आ जाएगी आपकी कॉस्ट पर यूनिट। यही हमें चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट ही हमें चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या मैं काम करता हूं अलग कलर से यूज करता हूं ताकि आपकी याद रहे, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट, डज नॉट इंक्लूड व्हाट, स्टोरेज कॉस्ट, भैया गुड्स को स्टोर करने का खर्चा, क्योंकि वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड नहीं होगा। बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होगी। सर एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा क्या, नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस अपने आप हो जाएगा, अभी बताता हूं किस तरीके से, एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब आपकी आ गई कॉस्ट निकालने का तरीका। अब आपने कॉस्ट निकाल ली, अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे एनआरवी से। एनआरवी कैसे निकलती है जी, नेट रिलायबल वैल्यू, बताइए जी, नेट रिलायबल वैल्यू मींस एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे आप इसमें से, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, भैया गुड्स को बेचने के लिए अगर कोई खर्चा हो जाएगा तो वो आपकी नेट रिलायबल वैल्यू निकल के आएगी। और एक होता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सीओसी, ये आपकी क्या निकल के आएगी, एनआरवी, नेट रिलायबल वैल्यू। सर ये व्हाट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये तो समझ में आता है, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बिकेगा, सेलिंग एक्सपेंस चलो ये भी समझ में आता है कि कितने हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं, जैसे कमीशन वगैरह पे करनी पड़ सकती है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये यूज होता है सर डब्ल्यूआईपी के केस में, वर्क इन प्रोग्रेस के केस में। हाउ, मुझे बताइए, आधे अधूरे गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, आपको वर्क इन प्रोग्रेस की जो कॉस्ट है वो तो समझ में आती है सर, इतनी कॉस्ट है, लेकिन क्या आप वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी निकाल सकते हो, डब्ल्यूआईपी की एनआरवी निकाल सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि उसकी तो मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, जिस चीज की मार्केट अवेलेबल नहीं है तो वो बिकेगी क्या, तो उसकी कोई एनआरवी हो नहीं सकती। लेकिन एनआरवी किसकी हो सकती है, एनआरवी फिनिश गुड्स की हो सकती है। तो हम जो यहां पर सेलिंग प्राइस लेंगे, ये सेलिंग प्राइस हमेशा किसका होता है, फिनिश गुड्स का होता है, तो हमें डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी वो भी तो देनी पड़ेगी, वो भी तो देनी पड़ेगी, तभी तो आप कह सकते हो कि भैया ये एनआरवी निकल के आई है हमारी किसकी, डब्ल्यूआईपी की। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूआईपी में आधे अधूरे काम में अभी तक आपका 100 रुपीज पर यूनिट खर्च हो गया, 100 रुपीज पर यूनिट खर्च हो गया, लेकिन जो आपका फिनिश गुड्स बिकेगा वो कितने का बिकेगा, वो बिकेगा लेटर से 300 रुपए का। अब ये डब्ल्यूआईपी की तो मार्केट अवेलेबल नहीं है तो इसकी कोई सेलिंग प्राइस हो ही नहीं सकती, लेकिन सेलिंग प्राइस किसका है, फिनिश गुड्स का। तो अगर मैं ये बोल दूं कि भैया डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स जाने के लिए मेरे को 120 रुपीज और खर्च करने पड़ सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 120, तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो मेरा डब्ल्यूआईपी है उसकी एस्टिमेटेड एनआरवी है 180 रुपए की, जो एक्चुअली में नहीं है, लेकिन हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, मैनेजमेंट एस्टिमेट करके चल रही है, सो दैट वो अपनी इन्वेंट्री को डब्ल्यूआईपी को वैल्यू कर सके। बस समझ भाई, हाँ जी, दिस इज योर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। अब मैं बात करता हूं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करने का तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्या रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा फिनिश गुड्स को, कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि फिनिश गुड्स जो है वो मेरे कॉस्ट या उससे ज्यादा पर बिक जाएंगे, फिनिश गुड्स मेरे कॉस्ट या उससे ज्यादा पर बिक जाएंगे, देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। कैसे, जैसे लेट अस से बुक बनानी है, ये एक बुक बनानी है, इस बुक को बनाने के लिए जो पेपर यूज हो रहा है, इस किताब को बनाने के लिए जो पेपर यूज हो रहा है, उस पेपर के स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है मुझे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। अगर मुझे लगता है कि भैया ये जो किताब है ये कॉस्ट या उससे ज्यादा पर बिक जाएगी, मतलब मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या तो प्रॉफिट पहुंचाएगी या कुछ नहीं पहुंचाएगी,
तो मैं रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे करूंगा, कॉस्ट पेयर करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये जो किताब है, मेरा जो फिनिश गुड्स है, ये बिलो कॉस्ट जाएगा, ये कॉस्ट से भी कम पर बिकेगा, तो क्या होगा जी? अगर ये कॉस्ट से भी कम पे बिकेगा तो रॉ मटेरियल को वैल्यू करना पड़ेगा, विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। क्या यूज वर्ड होगी? रिप्लेसमेंट प्राइस, विच एवर इज लेस। बताइए जी, बात समझ में आई? तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फिनिश गुड्स। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि फिनिश गुड्स हमारा कॉस्ट या उससे ज्यादा पे बिक जाएगा तो रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, और अगर लगता है मैनेजमेंट को फिनिश गुड्स हमारा कॉस्ट से भी कम पे बिकेगा देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस। बात समझ में आई? ओके, अब बात आती है सर, एक टर्म हमने सुनी नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। देखिए, अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूं तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे होगी? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। देखिए, नॉर्मल लॉस ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्यों इंक्लूड हो जाता है? क्योंकि नॉर्मल लॉस गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। गुड्स की कॉस्ट को क्या कर देता है सर? इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कंपनी का एक्सपेंस होता है, वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा जी? अलग से उसको पीएनएल में आप डेबिट करके चलेंगे। क्लियर है जी? बताइए, बात समझ में आती है? ओके, अब बात आती है सर, इसके क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे? देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस के आंसर्स को आपको कैसे लिखना है। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाने की, लेकिन आप ये आप यहां समझिए, एएस के आंसर्स को हमें कैसे लिखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। एएस का जनरली आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ऊपर आता नहीं है, लेकिन वो 5 में से 5 आप ला सकते हो अगर आपको तरीका पता हो उसके आंसर लिखने का। हमेशा आपको शुरुआत करनी है एज पर एएस, उसका नंबर और उसका नाम, ये बहुत जरूरी है। एज पर एएस, उसका नंबर और उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये जरूर 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 आपको लिखना पड़ेगा, या तो एज पर लिख दिए या फिर आप टर्म यूज कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद, ये टर्म भी आप यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एएस का नंबर और उसका नाम जरूर लिखना है, फिर आप अपना आंसर कंटिन्यू करेंगे। तो आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इसको। पहला पार्ट क्या हो गया कि आपने क्या लिखा, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। फिर आप देखिए आपका क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है। अगर नॉर्मल वैल्यूएशन है तो आप सिंपल वैल्यूएशन का प्रिंसिपल लिखिए, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में आपको क्या देना है, अगर आपका एएस का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस प्रैक्टिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे, और अगर थ्योरेटिकल है तो आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आते हैं एएस से और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। अगर तो प्रैक्टिकल आ रहा है तो आप उस पहले पूरी ऊपर वाली लाइन जरूर आपको लिखनी है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, एज पर एएस का नाम, एएस का नंबर और जो आपका क्वेश्चन जहां जिस एरिया से पूछा गया उस एरिया के बारे में उसका प्रोविजन। फिर अगर आपका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल सॉल्व कर दीजिए, थ्योरी है तो फैक्ट्स बता दीजिए, और थर्ड पार्ट आपको जरूर 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 देना है कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन जरूर देनी है आपको, चाहे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको देखना पड़ेगा उसने मांगा क्या था। अगर उसने इन्वेंटरी की वैल्यूएशन मांगे तो आपने प्रैक्टिकल सॉल्व किया और एंड में आप ये जरूर लिखे आएंगे देयरफॉर इन्वेंटरी विल बी वैल्यूड एट इतने रुपीज, दैट इज एट कॉस्ट, ये जरूर लिखना पड़ेगा। और अगर थ्योरिटिकल है तो आप अपने फैक्ट्स को प्रोविजन को रिलेट करके उसका कंक्लूजन दे सकते हो। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे।
नहीं तो बच्चों के एएस में 3 4 बच्चों के एएस में मार्क्स बहुत कटते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं पता बच्चों को क्या लिखना है। अब जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेट अस से जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बुक में ही दिखा देता हूँ, आईसीए के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 3.42 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। देखिए क्या कहता है वो, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2016, टिल मार्च 75% ऑफ स्टॉक वर सोल्ड, ठीक है 75% गुड्स बिक गए, कितने रह गए 25% रह गए। द कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लैक्स, द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लैक एंड अ कमीशन इज 10% ऑन सेल इज पेबल टू एजेंट, एडवाइज व्हाट इज करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसमें आंसर सबको पता होगा, कैसे आंसर पता होगा सर, देखिए 75% बिक गया तो यानी कि 25% रह गया, 25% किसका 40 लाख का, तो दैट इज इसकी कॉस्ट कितनी रह गई है 10 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन इसकी एनआरवी कितनी है 11 लाख माइनस 10%। अब 11 लाख में से 10% को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका बनता है 11 माइनस 10%, ये बनता है आपका 9.90 लैक्स, 9,90,000। मैनेजमेंट कह रही है 10 लाख दिखाना, क्या मैनेजमेंट ठीक है, आंसर इज मैनेजमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इन्वेंटरी की वैल्यूएशन किस पे होगी, कॉस्ट और एनआरवी, व्हिच इज लेस, आंसर सबको पता है, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा इसमें, लेकिन फिर भी मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्यों, तरीका ही नहीं पता। अब तरीका देखिए क्या है, इसमें तो इंस्टीट्यूट ने फिर भी बहुत कम दे रखा है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए वही चीज आ गई, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अब ये क्वेश्चन कहां से पिक किया इंस्टीट्यूट ने, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पिक किया इन्वेंटरी वैल्यूएशन से, दैट इज इन्वेंटरी विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप फैक्ट्स बताएंगे कि भाई मैनेजमेंट ऐसा करना चाह रही है लेकिन होना ऐसा चाहिए, और एंड में आप कंक्लूजन देंगे, इसमें फैक्ट्स इसने नहीं बताया लेकिन आपको बताने पड़ेंगे। इन दिस केस कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज 10 लाख एंड एनआरवी इज 11 लाख का 90%, 990, सो द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 9,90,000, क्लियर है जी। इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप आंसर अपने प्रेजेंट करते हैं तो। अब ये एबनॉर्मल लॉस वाले पॉइंट था, इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए वो कहता है, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट एंड 5000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर पुट इन अ प्रोसेस रिजल्टिंग अ वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन, ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है टोटल इनपुट, कितना इनपुट दिया उसने, इनपुट था 5000 मेट्रिक टन और लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस 300 मेट्रिक टन, ओके। वो कह रहा है नॉर्मल वेस्टेज इज 5% ऑफ इनपुट, ठीक है जी, नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं, नॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, वो कह रहा है इसका 5% तो नॉर्मल होगा ही होगा, यानी कि 250 मेट्रिक टन नॉर्मल होगा। अब टोटल लॉस हुआ है 300 का और 250 का नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल कितना निकलेगा, एबनॉर्मल लॉस निकलेगा आपका 50 मेट्रिक टन। अब देखिए इस 250 की वजह से कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, लेकिन इस 50 मेट्रिक टन का कुछ नहीं होगा, ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, ओके। वो कह रहा है कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इन स्टॉक इज एट ईयर एंड, स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इन दिस केस, ठीक है जी, बताइए किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं कॉस्ट पर यूनिट की, कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हो जाएगी, वो कह रहा है 5000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना, कितना लो यहां पर 4750, ये कितना आ जाएगा 1052.63, ये कॉस्ट बढ़ गई। वो कह रहे 5000 मेट्रिक टन 1000 रुपए के थे लेकिन एक्चुअली में कितना रह गया 4750, क्योंकि 250 का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस हो गया, तो कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। अब वो कहता है कि भैया एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करो, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, एबनॉर्मल लॉस निकलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकलेगी, बताइए जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकलेगी, एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस की तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई थी 50 और एक की क्वांटिटी है 1052.63, तो आप निकाल सकते हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, ये कितनी निकलेगी इनटू 50, दैट इज 52631, ये आपका पीएनएल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एज एक्सपेंस। और वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी
कॉस्ट कितनी है आपकी, कॉस्ट निकल के आई आपकी 1052.63, और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी रहेगी जी 4700। 4700 क्यों, क्योंकि 250 नॉर्मल 50 एबनॉर्मल, तो 4700 से मल्टीप्लाई करो 0.63 इनटू 4700, ये आपका लगभग निकल के आएगा 4,94,000, सॉरी 49 लाख, इट्स 4,947,361, दिस इज योर कॉस्ट। लेकिन अब आपका आंसर पूरा नहीं हुआ, उसने बोला था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ये तो आपकी कॉस्ट निकल गई, एनआरवी मिसिंग है। अब मुझे बताइए क्या एनआरवी को जीरो मानोगे या क्या करोगे, अगर एनआरवी मिसिंग है तो आप ये नहीं बोल सकते कि एनआरवी जीरो है, आप क्या बोलोगे कि भाई एनआरवी हम पता नहीं लगा पा रहे, दैट इज व्हाई इन्वेंटरी विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। आई बात समझ में, क्लियर है जी? चलो, दिस वाज योर AS2, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज AS12, इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। आई चलिए, अब AS12 हमारा क्या कहता है, AS12 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सबसे पहले तो हमें टर्म सीखनी है, व्हाट इज ग्रांट, ग्रांट मींस असिस्टेंस, असिस्टेंस मींस हेल्प, असिस्टेंस इन कैश और काइंड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, विच कैन बी वैल्यूड, विच कैन बी वैल्यूड, मतलब एनी हेल्प इन कैश और काइंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विच कैन बी वैल्यूड। गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, कुछ भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। इस स्टैंडर्ड पे हमें सीखना क्या है, इस स्टैंडर्ड में सीखना है रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कि हाउ एंड व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, हाउ एंड व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर मैं बेसिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात करूं तो उस वो क्या कहता है, उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रांट शैल बी कंप्लाइड विद। भैया अब अगर आप किसी गवर्नमेंट से ग्रांट लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है और वो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक समझते हो गवर्नमेंट बॉडी है, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट लेने गई, तो वर्ल्ड बैंक की कुछ ना कुछ कंडीशन होगी कि भैया इस तरीके से काम होना चाहिए, इतनी एसेट्स होनी चाहिए, इतनी लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, यहां पर आपका सेटअप होना चाहिए। अगर वो सारी कंडीशन पूरी हो गई है, पहली चीज वो, और दूसरी देर इज सर्टिनिटी ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, अगर लगता है कि ग्रांट मिल जाएगी देन ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबसे पहला कि भैया जो ग्रांट की कंडीशन है वो कंप्लाई हो जाए, और दूसरी चीज देर इज सर्टिनिटी ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, देन ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ग्रांट हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि सर कितने तरीके की ग्रांट होती है, टाइप्स ऑफ ग्रांट, टाइप्स ऑफ ग्रांट, ग्रांट होती है, एक ग्रांट होती है फॉर मीटिंग द एक्सपेंस, ग्रांट विच इज फॉर मीटिंग द एक्सपेंस, जैसे बोलते हैं एक्सपेंस ग्रांट, इट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ये कहां पर जाएगी, पीएनएल अकाउंट, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, मतलब अगर ग्रांट खर्चों से रिलेटेड आई है तो वो क्या बनेगी, हमारी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि खर्चा डेबिट हो रहा है पीएनएल अकाउंट में, तो उसकी ग्रांट, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीट कहां पर जाएगी, हमारी पीएनएल अकाउंट में एज अ इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ये होता है जैसे स्कूल्स वगैरह को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनको फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक डे का फंक्शन करना है या इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन करना है, उस फंक्शन को करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया खर्चा जो भी होगा आपका वो सारा का सारा रीइंबर्स हो जाएगा, तो एंट्री क्या डालेंगे, वो एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कुछ ग्रांट होती है जिसे हम बोलते हैं इनकम ग्रांट, इनकम ग्रांट, इनकम ग्रांट मींस नॉर्मल डोनेशन, जैसे स्कूल्स वगैरह को इनकम डोनेशंस मिल जाती है,
वो भी हमारी कहाँ होगी, पीएनएल में क्रेडिट होगी, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो एक्सपेंस ग्राउंड हो या इनकम ग्राउंड हो, दोनों के दोनों पीएनएल अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाती है। एक ग्रांट होती है ग्रांट फॉर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, या इसको हम बैकवर्ड एरिया ग्रांट भी बोलते हैं, बैकवर्ड एरिया ग्रांट। इट मींस गवर्नमेंट कहती है कि भैया अगर आपने कोई इंडस्ट्री, कोई अंडरटेकिंग बैकवर्ड एरिया में सेटअप करी, देन आई विल पे यू सम अमाउंट, आई विल पे यू सम ग्रांट। तो वो जो ग्रांट होगी वो हमारी कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होती है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अगर ग्रांट इन काइंड होती है, अगर ग्रांट इन काइंड होती है तो काइंड के केस में हम क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू, मतलब ग्रांट की क्या मिल गई हमें, ग्रांट में हमें पैसा नहीं मिला, हमें कुछ सामान मिल गया, जैसे बुक्स मिल गई, एक कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी को कोई बुक्स दे के चला गया, तो बुक्स की फॉर्म में ग्रांट आएगी, तो उन सब बुक्स की एक नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 रुपए 1000 रुपए कुछ भी करके उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके जी, अगर ग्रांट आती है फॉर एसेट्स, एसेट्स के लिए ग्रांट आती है, एसेट्स में भी हमारे पास या तो असेट नॉन डेप्रिशिएबल हो सकता है, नॉन डेप्रिशिएबल का मतलब क्या होता है, नॉन डेप्रिशिएबल मतलब जिसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, जैसे लैंड दे दिया गवर्नमेंट ने कि भैया ये मैं जगह दे रही हूं, इस पे काम करो, इस पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मिलता है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी हमारे पास एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और अगर ग्रांट मिलती है किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, डेप्रिशिएबल एसेट मींस प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक होता है नेट मेथड और एक होता है ग्रॉस मेथड। नेट मेथड क्या कहता है, नेट मेथड कहता है कि भैया अगर आपने एसेट परचेज किया और एसेट के बदले में गवर्नमेंट ने आपको पैसा दे दिया, तो वो पैसा एसेट अकाउंट में जाकर ही क्रेडिट हो जाना चाहिए, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, या तो ये मेथड फॉलो करो और अकॉर्डिंगली एसेट विल डेप्रिशिएट, उसी हिसाब से रिड्यूस्ड अमाउंट पे एसेट के ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। ग्रॉस मेथड क्या कहता है, ग्रॉस मेथड कहता है कि भैया आप ग्रांट को एक अलग से अकाउंट में डालोगे, दैट इज नोन एज डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। और ये डेफर्ड ग्रांट क्या होगा, दिस डेफर्ड ग्रांट विल बी अकाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड, ये अमोर्टाइज्ड होगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, बट जिस हिसाब से आप एसेट को डेप्रिशिएट करोगे उसी हिसाब से ही हमारा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट भी क्या होगा, अमोर्टाइज होता चला जाएगा। क्लियर है जी, तो एक बार दोबारा देखेंगे फटाफट कि ग्रांट कितने तरीके की है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, ग्रांट कितने तरीके की है। अगर एक्सपेंस ग्रांट है तो आप क्या करोगे, उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करोगे, एंट्री विल बी बैंक टू पीएनएल। इनकम ग्रांट का भी यही करना है, बैंक टू पीएनएल। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर बैकवर्ड एरिया ग्रांट होगी तो वो कहां चली जाएगी, आपकी कैपिटल रिजर्व में, दैट इज बैंक टू कैपिटल रिजर्व। अगर ग्रांट मिली हमें इन काइंड में तो उसकी नॉमिनल वैल्यू आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। और अगर ग्रांट मिली है एसेट में, एसेट अगर हमारा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो वो एसेट हमारा कहां चला जाएगा जी, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा उस एसेट की वैल्यू। और अगर डेप्रिशिएबल एसेट मिला है तो नेट मेथड या ग्रॉस मेथड, नेट मेथड में आप क्या करेंगे, अपने एसेट की वैल्यू को कम कर देंगे, दैट इज बैंक टू फिक्स एसेट। और अगर ग्रॉस मेथड है तो आप अलग से एक अकाउंट में डालेंगे पैसा, दैट इज बैंक टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, और डेफर्ड ग्रांट अकाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है जी, एक तो आस्पेक्ट ये था हमारा रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, के ग्रांट किस तरीके से रिकॉग्नाइज होगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा एरिया बनता है, दैट इज कभी कभी क्या होता है कि ग्रांट को रिफंड भी करना पड़ जाता है, दैट इज नोन एज रिफंड ऑफ ग्रांट।
रिफंड मतलब होता है वापसी करना। अगर मान लो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, पहले तो आपने सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, उसके बाद आप कंडीशन को तोड़ देते हैं, वायलेट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे अपना पैसा, अपनी ग्रांट वापसी मांग सकती है। तो रिफंड ऑफ ग्रांट में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, रिफंड करोगे तो भाई क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा या ग्रांट डेबिट होगी। तो आप लिखेंगे डेबिट विल बी गिवन टू दैट अकाउंट, डेबिट विल बी गिवन टू दैट अकाउंट विच वॉज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ ग्रांट, एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ ग्रांट। मतलब आपको वो अकाउंट डेबिट करना है, वो खाता डेबिट करना है जो रिसीट ऑफ ग्रांट के टाइम पे आपने क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था। क्या कर दिया था जी, क्रेडिट कर दिया था। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी एक्सपेंस ग्रांट है या फिर इनकम ग्रांट है, तो मुझे बताइए एक्सपेंस और इनकम ग्रांट के केस में आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, आपने पीएनएल क्रेडिट किया था। तो रिफंड के केस में आप क्या करेंगे, पीएनएल को डेबिट करेंगे, एंट्री विल बी पीएनएल टू बैंक, पीएनएल टू बैंक। दूसरा, अगर आपका ग्रांट क्या था, आपकी ग्रांट थी आपकी फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो या फिर आपकी इन काइंड ग्रांट हो, और क्या था आपका, हाँ जी प्रमोटर्स हो या इन काइंड हो, तो आप एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे आपने इस जब मिली थी ग्रांट तो क्या किया था, आपने कैपिटल रिजर्व को क्रिएट किया, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिजर्व टू डेबिट टू बैंक। क्लियर है जी। सी, अगर आपको ग्रांट मिली है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो एंट्री क्या बनेगी बताइए जी, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की एंट्री क्या बनेगी, वापसी दे रहे हो आप एसेट, तो आपका एसेट क्रेडिट हो जाएगा। और जब आपको मिला था तो आपने कौन से अकाउंट में लेके गए थे, कैपिटल रिजर्व में लेके गए, तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर, कैपिटल रिजर्व टू एसेट। और अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट की ग्रांट को आप रिफंड कर रहे हैं, तो अगेन आपको क्या देखना पड़ेगा, दो चीजें देखनी पड़ेगी, मेथड कौन सा था। अगर तो नेट मेथड था, तो नेट मेथड के केस में आपने रिसीट ऑफ ग्रांट को क्रेडिट किया था इन द फिक्स एसेट अकाउंट, तो अब आप डेबिट करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट को, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे बताइए एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या डेप्रिसिएशन चेंज होगा, आंसर इज बिल्कुल, डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट चेंज हो जाएगा, बड़ी भी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा, बट दैट विल बी प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मींस आगे आने वाले टाइम का डेप्रिसिएशन चेंज होगा, पीछे जो लग गया उसको चेंज आप नहीं करेंगे। और ग्रॉस एसेट के केस में क्या होगा, ग्रॉस मेथड के केस में क्या होगा, जब आपको मिली थी तो आपने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट किया था, अब आप डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करेंगे, रिसीट के टाइम में आपने डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट किया था, आप डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करेंगे, दैट इज डेफर्ड ग्रांट टू बैंक। और अब अमोर्टाइजेशन अकॉर्डिंगली होगा, अमोर्टाइजेशन क्या होगा, अकॉर्डिंगली होगा। अब बात आती है सर, मान लो डेफर्ड ग्रांट में बैलेंस है कम, भाई बैलेंस है कम लेकिन आपको पैसा देना पड़ रहा है ज्यादा, तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का क्या करोगे आप, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, वो आपका नुकसान है, वो आपका क्या है, नुकसान है। सर क्यों नुकसान है, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करते टाइम आप पीएनएल अकाउंट में लेते चले गए थे, पीएनएल अकाउंट को इनकम की तौर पे क्रेडिट करते चले गए थे, अब अगर कुछ अमाउंट आपका पीएनएल में जा चुका है तो वहीं से ही तो रिवर्स करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, अगर कोई डिफरेंस है तो पीएनएल अकाउंट टू बैंक, जितना पैसा लौटा रहे हो। जैसे इसके तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, इसी वाले केस का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपके डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में लेट अस से है, लेट अस से 10 लाख रुपए, भाई आपको 12 लाख की ग्रांट मिली थी और 10 लाख रुपए आपके डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख रुपए आप पीएनएल में क्रेडिट कर चुके, आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने डाली होगी डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल अकाउंट। अब आप रिफंड कर रहे हो ग्रांट, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया मुझे मेरा पूरा पैसा वापसी चाहिए, रिफंड ऑफ ग्रांट, क्योंकि आपने कंडीशन को तोड़ दिया, तो आप रिफंड कर रहे हो 12 लाख रुपए। मुझे बताइए एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री विल बी क्या बताया था मैंने,
भाई रिसीट ऑफ ग्रांट में जिस अकाउंट को क्रेडिट किया था उसी को ही डेबिट करोगे, क्रेडिट किया था डेफर्ड ग्रांट को तो डेफर्ड ग्रांट ही डेबिट होगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट। कितने से? सर जितना बैलेंस है 10 लाख रुपए। लेकिन आपने वापसी कितना कर दिया? आपको वापसी तो करना है 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए कहां जाएंगे? आपके पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख रुपए पीएनएल में ही क्रेडिट हो गए थे और पीएनएल से हमने वापसी ले ली। ये हो जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है जी? तो ये बहुत बेसिक सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा खास बातें हैं नहीं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट एंड रिफंड ऑफ ग्रांट, और ये रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। हर बार जब आप ग्रांट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, एज पर AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। रिकॉग्निशन का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज इफ फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दैट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रांट शैल बी कंप्लाइड विद एंड देयर इज सर्टेनिटी ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट। ये तो रिकॉग्निशन। और अगर रिफंड का आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट डेबिट विल बी गिवन टू दैट अकाउंट विच वॉज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट। और अपना आप क्वेश्चन शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर है जी? बताइए। इसी के साथ हमने अपने तीन टॉपिक्स को आज रिवाइज किया, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स, AS 2 एंड AS 12। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करके चलना है। आज है संडे, आपको जो अगली वीडियो मिलेगी दैट विल बी ऑन थर्सडे। थर्सडे को आपको वीडियो मिलेगी, उसमें आपके पास कितने दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन है। और टॉपिक्स में आपको दे रहा हूं रिवाइज करने के लिए हायर परचेज एंड AS 10। दो टॉपिक्स आपको रिवाइज करके चलना है, हायर परचेज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन थर्सडे, मैं लिख देता हूं। हाँ जी, थर्सडे को आपको वीडियो मिलेगी और इसमें हम करेंगे टॉपिक्स। टॉपिक नंबर ए इज हायर परचेज, क्वेश्चन आता है इसमें से। एंड टॉपिक नंबर बी इज AS 10, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये दो टॉपिक्स आपको रिवाइज करके चलना है टिल थर्सडे, प्लस ये जो 3 टॉपिक्स हमने आज करे हैं इनके भी आपको क्वेश्चंस करके चल रहे हैं। ठीक है जी? आई होप सो आप बेनिफिट उठा रहे होंगे इस रिवीजन सीरीज का। अगर आपके फ्रेंड्स जो CA इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी ये सीरीज को शेयर कीजिए और बता दीजिए सबको, सर रिवीजन सीरीज का जितना हो सके आप बेनिफिट उठाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रखी हैं, वो आप मेरे को उस पर मैसेज कर सकते हो, टाइम कॉल भी कर सकते हो। अगर मैं कॉल पिक नहीं करूंगा तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज का रिप्लाई डेफिनेटली देता हूँ। प्लस आप अगर कोई भी क्वेरीज आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में थर्सडे को। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।